सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हंस जिगर रिएक्शन और बाकी प्रिपरेशन मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हंस जिगर रिएक्शन से सिर्फ हेलो एरीन्स ही नहीं बनाई जा सकती, आप इससे हेलो एल्केन्स भी बना सकते हैं। पर सवाल यह है कि फिर मैंने आपको हेलो एल्केन्स के टाइम पे हंस जिगर रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि हंस जिगर रिएक्शन से हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं पढ़ाई। और मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे तरीके से पॉसिबल है। किसके द्वारा? हंस जिगर रिएक्शन के द्वारा। बट मैं आपको यहां पे दोनों रिएक्शन कंपैरेटिवली बता दूंगा, हेलो एल्केन्स भी और हेलो एरीन्स भी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग चेक करते हैं यहां पे। देखिए हंस जिगर रिएक्शन में आपको क्या लेना पड़ता है, फैटी एसिडिक सोल्ट लेना पड़ता है सिल्वर का, ठीक है, फैटी एसिडिक सोल्ट ऑफ सिल्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मतलब एजी। हम एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग हेलो एरीन्स बना रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग चाहिए, बेंजीन होना चाहिए, तो यहां पर फैटी एसिडिक सोल्ट ऑफ एजी क्या निकलेगा, दैट इज C6H5, एसिडिक है तो मतलब COO और एजी। अब इसकी फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो? इसकी फॉर्मेशन भी बहुत आसान है, देखिए जरा ध्यान से। अगर आप C6H5COOH ले लें, जिसको हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं, और इसका रिएक्शन आप कराएं AgOH के साथ, तो बहुत ही आसानी से यहां से देखिए OH और ये H, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन देगा और ये बेस है तो ये OH देगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, निकल गया, और ये जो सिल्वर है वहां जाके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास इसकी फॉर्मेशन हो गई। ये तो बहुत ही आसान था, C6H5COOAG। आपको बस फैटी एसिडिक सोल्ट ऑफ सिल्वर लेना है, जिसकी फॉर्मेशन आप ऐसे कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान रिएक्शन थी जो आई थिंक आप लोगों को अभी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो अब यहां पर फैटी एसिडिक आपने सोल्ट लिया सिल्वर का, अब क्या करना है? तो देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन बताता हूं, फिर उसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। अब यहां से सीन कुछ ऐसा है कि जैसे आप C6H5COOAG, ये जो एसिडिक का फैटी सोल्ट लिया आपने सिल्वर का, ठीक है, सो फाइनली आपको इसकी रिएक्शन किससे करवानी है। यहां पर मैं एरो पे कुछ लिख रहा हूं, एक तो आपको ब्रोमीन चाहिए, स्पेशली यहां पर आप जो हेलो एरीन बनाएंगे वो क्या होगी, दैट इज ब्रोमोबेंजीन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहां पे CCl4 प्लस हीट, इसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, और CCl4 प्लस हीट इटसेल्फ सेज कि यहां पर जो रिएक्शन है बेसिकली वो कैसी है, रेडिकल टाइप रिएक्शन है, रेडिकल यहां पर जनरेट होंगे एट द एंड, उसको ध्यान से देखिएगा, मैं मैकेनिज्म के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। रेडिकल जनरेट, आप जब भी आपको देखिए CCl4 प्लस एक हीट का सिंबल तो आप समझ जाएगा लास्ट में रेडिकल जनरेट होंगे, ठीक है, रेडिकल जरूर जनरेट होंगे इंटरमीडिएट के तौर पर। अब यहां से क्या बनेगा जरा चेक कीजिए, यहां पे बहुत ही सिंपल है, ध्यान से इसको देखिए, यहां पर एक तो C6H5Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CO2 गैस यहां से बाहर निकलेगा, देखिए ये CO2 गैस यहां से बाहर निकल रहा है, और ये जो C6H5 है वो एक ब्रोमीन को लेके क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन, और यहां पर एक सिल्वर एक ब्रोमीन को लेके क्या बनाएगा, AgBr। अब देखिए कितना आसान है, वैसे तो रिएक्शन काफी आसान है, ध्यान से उसको देखिए, बहुत सिंपल है, यहां से ये और एक ब्रोमीन एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, ये C6H5 और एक ब्रोमीन, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, CO2 गैस यहां से बाहर निकल गया, लिबरेट हो गया, और सिल्वर यहां से एक ब्रोमीन को लेके AgBr बना रहा है। यहां पर जो आप यहां पर जो फैटी एसिड ले रहे हैं उसमें एक कम कार्बन का आपके पास हेलो एरीन तैयार हो रहा है। सबको समझ में आ गया, ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको यही बता देता हूं, ध्यान से उसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर आपने क्या किया है, यहां पे ध्यान से उसको देखिएगा, ये रहा एक ब्रोमीन और ये रहा दूसरा ब्रोमीन, Br जो 2 आपने लिया है यहां पे रिएजेंट, वो अटैक करेगा इधर। अब ध्यान से उसको देखिए, ये Br क्या करेगा, देखिए यहां पर ये जो Br है, हमें तो पता है ना कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, सो इसकी पोलैरिटी की पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से यहां पर डाइपोल जनरेट होंगे, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, यहां से AgBr बाहर निकल रहा है, देखिए इसको ध्यान से, और यहां पर अब रेडिकल कैसे जनरेट होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अभी खेल किसके साथ है, अभी ब्रोमीन के साथ है, अभी CCl4 और हीट पिक्चर में आया ही नहीं है, इस चीज को समझ लीजिएगा। तो जब मैं बोलूं CCl4 और हीट पिक्चर में आया तो रेडिकल जनरेट होगा, इस चीज को समझ लीजिएगा ध्यान से, इसलिए मैं हर एक बात का जवाब दे रहा हूं। मैं यहां पर कब बोला था रेडिकल जनरेट होगा, जब CCl4 और हीट इस्तेमाल करोगे तब,
सबको समझ में आ गया। अभी ब्रोमीन का खेल चल रहा है, सबसे पहले ब्रोमीन पिक्चर में आया, उसने AgBr की फॉर्म में यहां पर AgBr को बाहर कर दिया, तो यहां पर ये देखिए ये प्लस किसका, ये माइनस जा रहा है Ag के साथ, तो ये प्लस किसके साथ जाएगा, C6H5CW- के साथ, समझ में आता है। तो फाइनली यहां पर क्या बन गया, जरा चेक कीजिए, यहां पर बन गया C6H5, यहां पर CO, उसके बाद O, इस पे था नेगेटिव, सबको समझ में आता है ठीक है। और फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि ब्रोमीन खुद भी एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल आपस में क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए यहां पर माइनस का साइन नहीं आएगा। अब उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लिए, समझिए इस चीज को, ये एक मेटल था एक नॉन मेटल था, तो मैंने यहां पर माइनस और यहां प्लस लगाया था, क्योंकि मेटल टू नॉन मेटल कौन सा कम यहां पर बॉन्ड बनता है, आयनिक, लेकिन ब्रोमीन खुद भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो यहां पर शेयर करके बॉन्ड बनेगा कोवलेंट, क्लियर होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास तो यहां पर कितने लोन पेयर है, 3-3 लोन पेयर है, तो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग जाता है तेजी से, इस वजह से ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ध्यान से उसको देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग जाता है बहुत ही तेजी से, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। अब इसकी इलाज क्या है, इसका इलाज बहुत सिंपल है, देखिए यह भी जिद्दी है, यह भी जिद्दी, ये हेलोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों ही कैसे होते हैं, अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हालांकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, लेकिन आपने अभी क्या किया, CCl4 की प्रेजेंस रखी और हीट किया, जैसे आपने CCl4 की प्रेजेंस रख के हीट किया, तो इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, इसने अपना किया, इसने अपना किया, समझ में आ गया, और यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, और जब विड्रॉ किया तो क्या बना, जरा चेक कीजिए, यहां पर एक तो बना यहां पर C6H5, ध्यान से उसको देखिएगा, C6H5 एक तो बन गया CO, उसके बाद O का एक रेडिकल ये बना ना, सबको दिखाई दे रहा है, और साथ में एक और रेडिकल तैयार हुआ, कौन सा, Br का रेडिकल। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, यहां पर दो रेडिकल तैयार हो गए हैं। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है भाई, यहां पर अब आगे क्या होगा, अब बड़ी साफ तौर पे नजर आता है, थर्मोडायनेमिकली भी सोचो अगर आप ध्यान से, तो यहां से CO2 गैस के लिबरेट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है ठीक है, एज कंपेयर टू यहां पर रेडिकल की फॉर्म में उससे तो ज्यादा ही होगी, तो ये उसको पुश करेगा कि यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाए। ऐसा काम हमने बहुत बार किया है, देखिए सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक के अंदर जब आपको H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता दिखे तो थर्मोडायनेमिक्स उसको सपोर्ट करती है, आप उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती तो H2O बाहर निकलता है। इसलिए यहां पर भी आप जरा गौर से सोचिए, CO2 एक गैस होती है जिसके लिए एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, गैस की एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, तो यहां से CO2 के निकलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आराम से यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी, समझ में आता है। और मजे की बात, इसको एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है फिर से, और ये काम हम बहुत बार करेंगे, बहुत बार देखोगे पॉलीमर्स में भी देखोगे, इवन ये आपने एंटी मार्कोवनिकोव रूल में भी देखा होगा CO2 गैस का बाहर निकलना, जिसने एंटी मार्कोवनिकोव वाली वीडियो देखी उसको बड़े आसानी समझ में आएगा कि यहां CO2 गैस बाहर निकलेगा। नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके एक बार चैनल को विजिट करो और जरूर देखो। तो देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर CO2 गैस एकदम थर्मोडायनेमिकली बाहर निकल सकती है क्योंकि एंट्रोपी इसको सपोर्ट कर रही है, तो यहां से होमोलिटिक क्लीवेज फिर से हुआ, इसने अपने अपने इलेक्ट्रॉन उठाए, तो जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाया तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ उसने क्या किया, यहां से CO2 गैस को बाहर निकाल दिया, आ गया समझ में। फिर क्या बचा, जरा चेक करो, तो फाइनली बच गया हमारे पास C6H5 का रेडिकल और एक पीछे Br का रेडिकल भी बचा हुआ है। अब आप खुद ही सोचो, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, अब जब आपस में एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम ही रहे हैं तो क्या करें, आपस में बॉन्ड बना के किसकी फॉर्मेशन कर लें, C6H5 Br की फॉर्मेशन कर लें, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो फाइनली आपका यहां पे क्या बन गया, सो फाइनली यहां पर हमारे पास हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन हो गई। सो इस तरह से हेलो एरीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, मतलब हेलो एरीन इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लीजिएगा, ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये इस तरह से तो यहां पर हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन होती है किसके थ्रू, दैट इज हंस डिकर रिएक्शन, इसको कहते हैं हम लोग हंस डिकर रिएक्शन, और ये उसकी मैकेनिज्म है, क्लियर होता है। अब मैं आपको यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हंस डिकर रिएक्शन जो हेलो एल्केन में भी यूज होती है, तो मैं आपको हेलो एल्केन भी बना के दिखाता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, फटाफट से यही रिएक्शन है, इसी को मैं आपको हेलो एल्केन पे अप्लाई करके दिखाता हूं, और उसकी प्रॉब्लम भी आप लोगों को बता दिया है मैंने वैसे, लेकिन मैं आपको आगे और बता देता हूं। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों को अभी क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी मैकेनिज्म रही और ये आपकी रिएक्शन रही, हालांकि रिएक्शन काफी आसान है,
सबको समझ में आ गया। और आप ये काम केमिस्ट्री में बहुत बार करते हो, और इसीलिए कहता हूं जब आप मैकेनिज्म देखते हो आपको ऑर्गेनिक की समझ बढ़ने लगती है कि इसमें क्या होने वाला है। और फाइनली यहां पे एक कम कार्बन वाला आपको हेलो एरीन मिल रहा है, क्लियर होता है। हेलो एल्केन के साथ भी यही होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं उसके बाद, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन से हेलो एल्केन्स कैसी फॉर्म होती है उसको देख लेते हैं, और उसके साथ साथ एक एक्सेप्शनल केस बताऊंगा जिस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो चलिए फटाफट से देखिए, अब हमें क्या करना है, हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन से हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन देखनी है। मैंने आपको हेलो एल्केन के केस में क्यों नहीं बताया इसकी फॉर्मेशन का, हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन का, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन यानी कि क्वांटिटी अच्छी यील्ड नहीं होती है। तो आप इस चीज को लिख लीजिएगा, हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन से हेलो एल्केन्स की क्वांटिटी अच्छी फॉर्मेशन नहीं होती है, जनरेशन अच्छा नहीं होता है, क्वांटिटी वाइज जनरेशन अच्छा नहीं होता है। इस वजह से हम लोग हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन को वहां नहीं पढ़े थे, लेकिन हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन में थोड़ा बहुत भी अगर जनरेशन होता है तो वहां होता तो जरूर है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको देखना तो है ही, तो ध्यान से उसको देखिए। तो यहां पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहां पर एलिफेटिक, यहां पर एसिडिक सोल्ट ऑफ सिल्वर लेना है। एलिफेटिक का मतलब आर कोई कार्बन चेन है, लंबी कार्बन चेन, आपको एसिडिक सोल्ट ऑफ सिल्वर लेना है, तो आपको RCWAG लेना है, बहुत आसान है। अब देखिए इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, ब्रोमीन से करवानी है। प्रेजेंस किसकी रखनी है, CCl4 की रखनी है, और साथ में हीट की रखनी है, यही काम करना है। अब देखिए बहुत आसान है, यहां पर एक कम कार्बन का आपको हेलो एल्केन मिलेगा, मतलब इस R और इस BR को जोड़ दें हम लोग तो क्या बन जाएगा, RBR, क्लियर है सब लोगों को। तो यहां पर मैकेनिज्म सेम है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पहले करवाया था। एक तो RBR यहां पे फॉर्म हो गया, उसके साथ यहां पर CO2 गैस बाहर निकलेगा, क्लियर है। सो फाइनली ये CO2, देखिए RBR, उसके साथ CO2 बाहर निकल गया, AG और BR यहां से फॉर्म हुआ, AgBr, जिसका PPT नीचे बैठ गया, इसका प्रेसिपिटेशन बनना आसान होता है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है हेलो एल्केन के केस में, लेकिन यहां पर एक मजेदार एक्सेप्शन है जिसको मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ध्यान से उसको देखिए, और मैं आपसे कहूंगा कि उसको स्टार लगा के पर्टिकुलरली नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहां पे आपको क्लियर करता हूं। अगर आपने ब्रोमीन, देखिए यहां पर क्लोरीन भी लिया होता तो आप RCl बना सकते थे, नो डाउट, लेकिन जब आपने अगर यहां पर देखो फ्लोरीन के केस में तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसको, अगर आपने यहां पर RCOOAG लिया और रिएक्शन ब्रोमीन की जगह या फिर क्लोरीन की जगह आयोडीन से करवा दी, और सेम ही आपने यहां पर CCl4 की प्रेजेंस रखी है और हीट रखा है, ठीक है, तो यहां पर मजे की बात यह है कि यहां पर RI की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लियर है सब लोगों को। RI की फॉर्मेशन होने की बजाय यहां पर एस्टर बन जाता है, मतलब इसकी दो यूनिट और यहां पर एस्टर की फॉर्मेशन होने लगती है, मतलब क्या बनेगा, RCOOR, इसकी फॉर्मेशन होने लगती है, इसलिए मैंने यहां पर दो यूनिट ले लिए, और साथ में क्या निकलेगा, देखिए दो सिल्वर और दो आयोडीन, यहां पर ट्वाइस ऑफ AgI बाहर निकलेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दो यूनिट बाहर निकलेगी, ध्यान से इसको देखो। फाइनली ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और मजे की बात है यहां पर एस्टर की फॉर्मेशन होती है, एस्टर की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, ये एक एक्सेप्शन है और इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर होता है सब लोगों को। सो ये यहां पर एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में पूछा गया है, अगर आपने गलती से भी आयोडीन ले लिया तो यहां पर एस्टर की फॉर्मेशन होगी, यहां पर कभी भी आपको हेलो एल्केन नहीं मिलने वाला। एरीन के केस में भी यही होता है। सो यहां पर हमने क्या देख लिया, हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन और उसका एक्सेप्शनल केस भी देख लिया है, क्लियर होता है। आप ध्यान रखिएगा हर्ट्ज-रिकर रिएक्शन को हम लोग स्पेशली हेलो एरीन के केस में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन अच्छा होता है, लेकिन एल्केन के केस में ये होता तो है लेकिन फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म वही है, कोई फर्क नहीं है, ये एक एक्सेप्शन केस है जिसको आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली आप स्टार लगा लो कि आयोडीन के केस में यहां पर एस्टर की फॉर्मेशन होती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा जा चुका है। यहां पर गलती से लोग क्या करते हैं, हेलो क्या बनाने लगते हैं, हेलो एल्केन, जबकि एस्टर की फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, बाकी बचे हुए दो फाइनली ऐसे मेथड और हैं जिसे आप हेलो एरीन बना सकते हैं, उनको भी मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। तो देखिए कौन कौन से हैं, ताकि हमारे प्रिपरेशन वाले मेथड्स पूरे खत्म हो जाए, ठीक है। सो देखिए कौन कौन से मेथड है। सो फाइनली एक मेथड ये कि आप सिंपल बेंजीन रिंग लें, ठीक है, और उसमें डायरेक्टली क्या कराएं, हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन मतलब आप मान लीजिए कि मैंने क्लोरीन ले लिया, डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मतलब मैंने बेंजीन रिंग लिया, क्लोरीन लिया, लेकिन यहां पर आपको Fe की प्रेजेंस रखनी है जो कि लुईस एसिड होता है, ठीक है। FeCl3 भी कई बुक्स में लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, Fe या FeCl3 कुछ भी लिखा हो, आपको डार्कनेस रखनी है और साथ में कोल्ड रखना है, ठीक है,
कमरा डार्क होना चाहिए और कोल्ड होना चाहिए, ये कंडीशंस अगर आप रखते हैं एफ या एफ ई सी एल थ्री, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसको डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी कहते हैं, सिंपल है, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन कहलाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। सेकंड, एक आपके एनसीईआरटी में एक और मेथड लिखा है, मान लीजिए आप बेंजीन की जगह टोल्यूइन लेते हैं, ध्यान से इसको देखिए, आपने अगर यहां पर टोल्यूइन ले लिया होता, क्लियर होता है सब लोगों को, और यहां पर अगर आप डायरेक्ट क्लोरीनेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। यहां पर मैंने फिर से क्या एफ ई का प्रेजेंस रखा, डार्क रखा और कोल्ड रखा, ध्यान से इसको देखिए। इस केस में ध्यान से देखिए, सी एस थ्री एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या है, बेसिकली प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ पुश करता है। तो इस केस में फाइनली आपको मैंने एक यहां पर एक वीडियो बनाया था, जब एक ऐसा ग्रुप जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाए तो उससे कौन सा पोजीशन बेंजीन रिंग पे एक्टिव हो जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, एक तो ऑर्थो दूसरा पैरा। ये मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था, शायद कुछ ही दिन पहले, 5 से 7 दिन के अंदर ही वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देखो, और उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि एक ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है नीचे की तरफ, तो उस केस में हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था। मेटा वाले कब बनते हैं, जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। तो सी एस थ्री एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता है, तो इसका मतलब यहां दो तरह कंपाउंड बनेंगे, एक तो ऑर्थो क्लोरो, ध्यान से उसको देखिए, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन बनेगा, ये देखिए ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, मैं लिख देता हूं, नाउ दिस इज ऑर्थो और दिस वन इज पैरा, दिस वन इज कॉल्ड मेटा, तो मेटा वाला तो नहीं बनेगा, ऑर्थो और पैरा वाला बनेगा। और साथ में यहां पर दूसरा वाला कंपाउंड मैं यहां बना देता हूं, और एक कौन सा बन रहा है, पैरा क्लोरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा क्लोरो टोल्यूइन, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज ऑर्थो, ठीक है, क्लोरो और टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन, एंड दिस वन इज पैरा क्लोरो और फाइनली टोल्यूइन, तो ये इनके जनरल नेम है। क्लियर होता है? अब बचा हमारा एक छोटा सा लास्ट मेथड, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल है, अगर आप कमर्शियली चेक करना चाहो इंडस्ट्रीज के अंदर, सो इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है हेलो एरीन बनाने का, स्पेशली क्लोरोबेंजीन बनाने का, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है। सो फाइनली क्लोरोबेंजीन इंडस्ट्रीज में कैसे बनाई जाती है, सिंपल है, आपको यहां पे क्या लेना है, सबसे पहले तो बेंजीन लेना है, C6H6 ले लिया, साथ में आपको HCl की प्रेजेंस रखनी है और O2 ऑक्सीजन रखते हैं वो साथ में। मजे की बात, यहां पर CuCl2, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस रखी जाती है, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसको, तो उस केस में यहां क्या होगा, बहुत आसान काम है, ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहां से बेसिकली 2 लगा देते हैं, यहां 2 लगाते हैं, उसका रीजन है ऑक्सीजन 2 है, पानी बाहर निकलेगा। क्लियर होता है? पानी के देखो, एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो देखिए यहां पर 2 बेंजीन निकली, ऑब्वियसली यहां पर हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही ना, तो एक हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 बेंजीन से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, और 2 ऑक्सीजन यहां से, क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, यस और नो, अब कुछ करना नहीं है, 2 फिनाइल ग्रुप और 2 क्लोरीन आपस में मिलकर क्या करेंगे, फाइनली यहां पर 2 फॉर्मेशन करेंगे, किसका, क्लोरोबेंजीन का, ये ले ली, यहां पर क्लोरोबेंजीन बन गया, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है, जो सबसे ज्यादा सुटेबल है और इसको इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, काफी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो का जो हमारा सबक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हंस डिकर रिएक्शन का, ये एक्सेप्शनल केस, ठीक है, जब हम एस्टर की फॉर्मेशन, आगे एस्टर भी पढ़ना है, तब भी मैं आपको ये चीज करवाऊंगा, और स्पेशली उसके अंदर मैं आपको और भी डिटेलिंग कराऊंगा, लेकिन अभी यहां पर इतना जानना बहुत है और एक काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने यहां पर स्टार लगा दिया। अभी क्लियर है सब लोगों को? सो फाइनली हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया है, फॉर्मेशन के यानी कि प्रिपरेशन के, किस किस के, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, सबके मेथड हमने फिनिश कर दिए। क्लियर होता है सब लोगों को? सो यहां पर प्रिपरेशन मेथड, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जो है केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों को यहां पे SN1 SN2 E1 E2 वो सब पढ़ना है, बहुत मजेदार है वो टॉपिक, और एक्चुअल में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक को जितने चैप्टर आपने देखे हैं अभी तक, जितने लेक्चर अभी तक आपने देखे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, सैंडमेयर रिएक्शन एरीन के केस में इंपॉर्टेंट था,
ठीक है, जो भी नेमिंग रिएक्शन आपने, फिंकलस्टाइन, स्वार्ट, सैंडमेयर, ठीक है, ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी है, और इसके साथ इसके अलावा ये वाली हंसडीकर रिएक्शन, ठीक है, तो जो भी नेमिंग रिएक्शन है, मैं आप सबसे कहूंगा कि एक सेपरेट कॉपी लगा लो नेमिंग रिएक्शन के केस में। ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि प्रिपरेशन मेथड अभी खत्म हो गए और बचे नहीं, अभी केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, अगली वीडियो मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि नेमिंग रिएक्शन, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, अलग से कॉपी बना लो जिसके ऊपर टाइटल लगाओ नेमिंग रिएक्शन, और अभी आपने जितनी भी हेलो एल्केन, हेलो एरीन में क्या पढ़ी है नेमिंग रिएक्शन, उसको फटाफट से वहां नोट डाउन करो, क्लियर होता है। सो चलिए गाइस, हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहला हम इनकी बात करेंगे स्टेट की, ये कौन सी स्टेट में होते हैं, ध्यान से उसको देखिए, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है ये समझना है हमें, ये गैसीय स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर सॉलिड। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा, कार्बन चैन बढ़ते जाएगी, मास बढ़ते जाएगा, इनका स्टेट भारी होते जाएगा। गैसें सबसे हल्की होती हैं, फिर लिक्विड उससे भारी, और सॉलिड सबसे भारी होते हैं। तो वो कैसे पता लगता है, जैसे जैसे वेट बढ़ने लगता है, तो कार्बन चैन का साइज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इनकी स्टेट भी चेंज होती जाएगी, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड, ये सिंपल सी रूटीन वे होता है। तो ध्यान से इसको देखिए, जो आपकी लोअर, ध्यान से इसको देखिएगा, जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, लोअर हेलो एल्केन्स, वो कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, नॉर्मली आप भी सोच सकते हो, लोअर हेलो एल्केन्स इनके गैसियस स्टेट में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल दिया मैंने जैसे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, जैसे जैसे इनका वेट बढ़ते जाएगा इनका स्टेट चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं हायर हेलो एल्केन्स, हायर हेलो एल्केन्स, जो हायर हेलो एल्केन्स होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में होती हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में चली जाती है। जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा बेसिकली ये लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में चली जाएंगी। लेकिन हेलो एल्केन्स की बात करी, नाउ व्हाट अबाउट हेलो एरीन्स, देखिए हेलो एरीन्स की अगर हम लोग बात करें तो हेलो एरीन्स में तो ऑलरेडी C6H5 तो लगा है, मतलब कार्बन तो पहले से ही कितने हैं, 6, सबको समझ में आ गया। तो इनकी जो स्टेट होती है वो या तो लिक्विड है या फिर आगे जाके अगर आप कार्बन चैन और बढ़ा देते हो तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, मतलब ये गैस स्टेट में अवेलेबल नहीं है, क्लियर होता है सब लोगों को, सब मास पे डिपेंड करता है। तो पहले तो हमने बात कर ली स्टेट की, लोअर हेलो एल्केन्स गैसियस स्टेट में, जबकि हायर हेलो एल्केन्स क्या होंगी, लिक्विड या फिर सॉलिड में, हेलो एरीन्स लिक्विड या फिर सॉलिड में होती है। चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात हम इसकी करते हैं यहां पर फिजिकल स्टेट में कलर की बात करते हैं, ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं ऑलमोस्ट ऑल, लिख लीजिए ऑलमोस्ट ऑल हेलो एल्केन्स, ऑल हेलो एल्केन्स, ठीक है, आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, आर कलरलेस इन प्योर सिचुएशन, ठीक है, इन प्योर सिचुएशन, ये प्योर सिचुएशन में जब आप इनको प्योर सब्सटेंस की तरह लेते हैं, बिल्कुल प्योर होने चाहिए, तो ये कलरलेस होते हैं। हाउएवर आप लिख लीजिए ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शोज कलर, शो कलर, साथ में लिखते जाइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शोज कलर इन लाइट। अगर आप इनको लाइट में यानी कि सनलाइट में या फिर नॉर्मल लाइट में खोल देते हैं तो ये कलर शो करने लगते हैं, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया, कलर के रिस्पेक्ट में तो आपको क्लियर है। तो हमने स्टेट और कलर की बात कर ली, नाउ विल टॉक अबाउट टेस्ट, तो इनके टेस्ट की बात करते हैं, बेसिकली स्मेल कहेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है, स्मेल यानी कि इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। सो स्मेल या ऑर्डर कैसा होता है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि जितने भी वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल का मतलब जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, सो जितने भी वोलेटाइल या फिर गैसेस फॉर्म में आपके पास हेलो एल्केन्स हैं, ठीक है, जितने भी हेलो एल्केन्स हैं बस उन्हीं का जो स्मेल है वो थोड़ा स्वीट होता है, बाकी किसी का स्मेल कुछ खास होता ही नहीं है, उनका स्मेल क्या होता है, स्वीट होता है,
ठीक है, स्वीट स्मेल, जैसे कि आपने घर पे अगरबत्ती कभी जलाई हो तो उसकी कितनी स्मेल स्वीट होती है, तो वैसे ही इनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, क्लियर हो गया। लेकिन वॉलेटाइल की, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखे हैं, तो उनकी स्वीट स्मेल होती है, बाकी की कोई कुछ खास ऑर्डर नहीं होता, खास स्मेल नहीं होती। तो यहाँ पर हमने बात की तीन चीज़ों की, स्टेट की, कलर की, स्मेल की, क्लियर होता है। अब हम और आगे चलते हैं, स्पेशल चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। स्पेशल चीजों में सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबको समझ में आया। अब यहां पर जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, ज्यादातर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलर मास पे, यानी कि वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बता रहा हूं, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इनकी जब भी आप बात करो तो आप किसकी बात करोगे, यहां पर वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है। और मजे की बात, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर मास के। स्पेशली ये किसके बारे में बात करते हो, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर रहे होते हो ना, तो आपको इस फैक्टर को देखना होता है, क्लियर हो गया। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली, ऐसा क्यों है, आपको करना क्या है, जरा सोचिए, सोचने के बाद आप जरा इसके ऊपर गौर करिएगा। आपको बॉइल करना है, बॉइल का मतलब क्या है, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में लाना है। अब लिक्विड से गैसेस फॉर्म में बॉन्ड नहीं टूटेंगे, यहां पर एटॉमिक इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं टूटेगा, इस चीज को समझे, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़ने हैं आपको, ये बहुत फर्क है। आप इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो इंटर एटॉमिक बॉन्ड का मतलब तो ये हो गया कि आप यहां पर C2X बॉन्ड, इसको इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक बॉन्ड, जहां पर यहां पर कार्बन जो X से बॉन्ड बना रहा है और कार्बन जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, इसको इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है जो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना रहा होता है, क्लियर हो गया सब लोगों को, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ही तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कैसे आएगा, जब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपने ये दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दिया तो किस में चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में। अकल लगाओ, दिमाग जितना लगाओगे उतनी चीजें आसान हो जाएंगी। इसका मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट के केस में स्पेशली क्या देखना होता है, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ, इनको वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, बाय द वे ये भी क्लियर होना चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और ये वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधे सीधे मोलर मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मोलर मास उतना ही भारी और उतने ही ज्यादा ये पास होंगे, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो फाइनली यहां पर मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो आप लिख लो, सिंपल सी बात है यहां पर, कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। एंड इन दिस केस यहां पर आप स्टेटमेंट लिखो नोट लगा के, दैट ये जितने भी हेलो एल्केन्स हैं, ठीक है, जिस आपने जहां हेलो एल्केन्स जितने भी यहां फॉर्म किए हैं उनके कुछ ना कुछ पेरेंट होंगे। पेरेंट का सेंस क्या है, जरा चेक करो, आप जरा सोचो कि आपने यहां पर CH3Cl कैसे बनाया होगा, आपने एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया है, तो इसका पेरेंट कौन है, CH4 मीथेन, इसका भी पेरेंट कौन है, मीथेन। आपने हेलोजिनेशन करा के Cl और Br लगाया, हाइड्रोजन हटा दिया, आता है सबको समझ में, या व्हाटएवर बी द प्रिपरेशन मेथड, आपने इसी पेरेंट से बनाया होगा ना इनको, तो इस पेरेंट को देखते हुए ये तो भारी है दोनों के दोनों, और अगर भारी है तो खुद से सोचो ना कि यहां पर मोलर मास किसका जा रहा है, इसका तो 16 ही है, जबकि यहां तो हाइड्रोजन हटा के आपने क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन का मोलर मास होता 35.5, ये तो उससे भारी हो गया, तो अगर ये भारी है तो इसका मोलर मास अपने पेरेंट से ज्यादा होगा, यस और नो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर नोट लगा के लिखो, ऑल हेलो एल्केन्स आर हैवियर, ठीक है, हैवियर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली इनसे हल्के होते हैं, मतलब ये उनसे भारी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट में भी ऐसा ही है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर, ठीक है, हायर एज कंपेयर टू देयर पेरेंट। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। स्पेशली यहां पर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का सेंस क्या, जरा सोचो, आप सॉलिड से किधर लेके जा रहे हो, लिक्विड में, जितना मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में आए। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट में एक और फैक्टर को काउंट करते हैं, वो होता है क्रिस्टल लैटिस की सेटिंग,
ठीक है, या क्रिस्टल लैटिक्स में वो कैसे फिट हो रहा है, क्लियर होता है। सो वो चीज अलग है, उसको हम लोग अलग तरीके से, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है उस फैक्टर को काउंट करने की। तो यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर यहां पर चलेगा, कौन सा, मोलर मास, क्लियर होता है। क्रिस्टल के अंदर आपको पता होगा जितना फिट यहां पर मॉलिक्यूल होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक और फैक्टर होता है, सबको समझ में आ गया, क्रिस्टल में कितना वो मॉलिक्यूल फिट है। वो हम आगे इस फैक्टर को इस्तेमाल भी करेंगे जब हम बेंजीन के हेलोएरीन्स पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है, यहां पर ध्यान दो बेसिकली कि आपको सिर्फ यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ही फैक्टर को देखना है, और वो है उनका मोलर मास। और वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देख लो, और वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्लियर हो गया। और फाइनली यहां पर पहला हमने स्टेटमेंट लिख लिया कि यहां पर ये अपने पेरेंट से भारी होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट से ज्यादा होगा। अब यहां पर उसके बाद हम लोग आगे चलते, एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिखाता हूं, जैसे जैसे आप ब्रांचिंग करते हैं बेसिकली वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। इसको समझें, मैं मान लेता हूं कि यहां पर चार कार्बन का यहां पर क्या बनाया आपने, कोई हेलो एल्केन तैयार किया, तो इसको बोलेंगे, जरा ध्यान से देखो, दिस इज एन, ठीक है, ये एन यानी कि स्टेट चेन है। तो यहां पर क्लोरो लिख सकते हैं क्योंकि पहली पोजीशन पे क्लोरो लग रहा है, सो दिस इज क्लोरो। उसके बाद ब्यूट एन, यही हुआ ना, क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे, सही है। लेकिन अगर मैंने ब्रांचिंग करनी चालू कर दी, इसको ब्रांच में डाल दिया, जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर इस तरह से ब्रांचिंग कर दी, तो देखो चार कार्बन हो गए और एक क्लोरीन, इस तरह से लगा दिया। अब देखो यहां पर दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, ये एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोमर्स हैं। कार्बन की बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर लेना। तो यहां पर दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज ब्रांचेस, आपने क्या किया, बाकी कार्बन को इस कार्बन के साथ ब्रांचेस में लगा दिया। तो यहां पर क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया, जरा सोचो, अब ये सरफेस एरिया कम हो गया और यहां पर सरफेस एरिया अच्छा खासा था इस मॉलिक्यूल का, बात समझ में आ गया। तो जैसे ही सरफेस एरिया कम हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा क्योंकि कम टेम्परेचर पे ये बॉइल हो जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली ब्रांचिंग के एंटी प्रोपोर्शन होता है। आप ब्रांचिंग करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटने लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछे कि स्ट्रेट चेन और इसमें से कौन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबको समझ में आ गया। तो यहां तक आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। सो ले लीजिए फटाफट से, ले लीजिए। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे यहां पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप कार्बन चेन में ब्रांचेस करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम होने लगता है। उसी एग्जांपल को मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे करवाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से तीन मॉलिक्यूल्स दिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन में आपको तीन मॉलिक्यूल्स दिए, पहला मॉलिक्यूल ए है और वो कुछ ऐसा है कि वहां पर चार कार्बन लगे हैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन में और एक यहां पर हेलोजन लगा हुआ है। आपको बी मॉलिक्यूल दिया है, वो कुछ ऐसा है कि आपने अब क्या कर दिया है, चार में से एक कार्बन हटा के फाइनली आपने ब्रांच में लगा दिया। अभी देखो इनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, यहां भी चार है यहां भी चार है, क्लोरीन और क्लोरीन सेम है। उसके बाद सी में आपने क्या किया कि एक और कार्बन को ब्रांच में लगा दिया, इस तरह से दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब देखिए सबके फॉर्मूले सेम है, लेकिन यहां पर सीन क्या है, यहां पर सरफेस एरिया है जी इतना, आया समझ में, अभी मैं रूटीन वे से बता रहा हूं, यहां पर सरफेस एरिया है जी इतना, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और यहां पर सरफेस एरिया देखिए और भी कम हो गया। तो जैसे जैसे आप ब्रांचिंग करते जाते हैं सरफेस एरिया घटने लगता है। तो अगर कोई आपसे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का, फिर उसके बाद बी का, और सबसे कम किसका होएगा, सी का। अब इस चीज को समझे कि यहां पर आपको ये बॉन्ड नहीं तोड़ने हैं बॉइल करते टाइम, आपको सिर्फ यहां पर इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ना है। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है तभी तो ये बॉइल होगा जब मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के तौर पे आपको करवाया, थोड़ी समझ बढ़ाइए तो आसानी से सवाल होने लगेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट, जब आप मेल्टिंग पॉइंट की काउंटिंग करते हैं तो वहां पर एक और फैक्टर काउंट करते हैं, उसकी पैकिंग कैसी है, मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से फिट है। मेल्ट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में जाना। अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से फिट है, इसका मतलब वो सॉलिड में होंगे, क्रिस्टल बना रहे हैं, आप उस फिटिंग को तोड़ दीजिए, फिटिंग टूटेगी वो अपने आप लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, समझ में आया।
सो जरा ध्यान से इसको देखिए, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन कराता हूं। सपोज करते हैं हमारे यहां पर वो सवाल पूछाते हैं हेलो एरीन्स के केस में। सपोज करते हैं कि हमने यहां पर टोल्यूमिन लिया। जब आप टोल्यूमिन लेंगे तो अब यहां पर इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन आपको दिखने लगेगी। आता है समझ में? इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजिशन, क्लियर है, ये मेटा पोजिशन और ये हमारी पैरा पोजिशन है। अब मैंने यहां पर, क्योंकि हम तो हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं यहां पर ध्यान से इसको देखिएगा, ये पोजीशन को मैं यहां से हटा देता हूं, आप समझ ही गए होंगे। मान लो ऑर्थो पोजीशन में मैंने क्लोरीन लगा दिया, एक तो ये है, और एक मैंने यहां पर जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, यहां पर मैंने CH3 तो यहां लगा ही रखा है, अब मैंने मेटा पोजीशन पे लगा दिया है। दूसरा कंपाउंड ये है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और एक सी कंपाउंड और है, वो कौन सा है, पैरा वाला। आता है समझ में? यहां पर CH3 लग रहा है और बिल्कुल नीचे मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो यहां पर ये ऑर्थो वाला हो गया। मैं लिख देता हूं, दिस इज ओ, क्लियर है, ऑर्थो, ये ऑर्थो वाला हो गया, ये कौन सा है, मेटा वाला, और ये कौन सा है, पैरा वाला। अब पूछे इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको पैसे कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं और इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात कर लेते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात। देखिए सबके फॉर्मूले सेम है, सिर्फ आपने क्लोरीन की पोजीशन चेंज करी है और कुछ नहीं। तो यहां पर एक बार यहां पर ऑर्थो पे लगा दिया, ठीक है, यहां पर एक बार आपने मेटा पे और एक बार पैरा पे, और तो कुछ चेंज नहीं किया, फॉर्मूला तो सेम ही है। तो देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ऑलमोस्ट आसपास होता है, नियरली इक्वल, ठीक है, नियरली इक्वल, ऑलमोस्ट आसपास होता है, नियरली इक्वल होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। नियरली इक्वल मतलब एकदम सेम नहीं है, नियरली इक्वल है। जो डेटा है ना, आप एनसीईआरटी से उठा के देखिएगा, इनका डेटा कौन सा स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट का बहुत आसपास मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको इनको ऑर्डर में लगाना पड़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा होएगा, उसके बाद पैरा वाले का, और फाइनली लीस्ट होएगा मेटा वाले का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके एक बार एनसीईआरटी खोल के डेटा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नियरली इक्वल मतलब अगर मैं कहूं कि इसका ऑर्थो वाले का 250 है तो इसका होगा 245, समझ में आता है, और इसका 240, मतलब एक आइडिया दे रहा हूं आपको, आया सबको समझ में? तो बहुत ही कम माइन्यूट सा फर्क होता है, बहुत ही कम, 3 से 4 या 5 डिग्री का मैक्सिमम, सबको समझ में आता है। सो यहां पर नियरली इक्वल, लेकिन व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सवाल यहां पर बॉइलिंग पॉइंट से नहीं पूछा जाता है, यहां पर सवाल पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट के केस में। तो देखिए जो यहां पर अच्छे से फिट हो जाए वो मॉलिक्यूल कौन सा है, तो देखिए ये जो है ना अपने क्रिस्टल लैटिस में, क्योंकि ये सिमेट्री है, यहां पे देखो एक ऊपर और एक नीचे, सिमेट्री होने की वजह से पैरा वाला आसानी से बहुत अच्छे तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल से फिट हो जाता है, आया समझ में? सो पैरा सिमेट्री होने की वजह से इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, खुद से इमेजिन करके देखो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसकी पैकिंग करनी आसान है। अगर ऐसी ईंटें दे दे आपको तो आपके लिए आसान होगा कि इन ईंटों से आप क्या कर सको, बराबर उनको लय में लगा सको, समझ में आता है? ऊपर नीचे से ये सिमेट्री है, एक ऊपर एक नीचे, यहां से खाली है, लेकिन इनको इन इस तरह की ईंटों को, ईंटों मतलब ब्रिक्स को, इस तरह की ब्रिक्स को अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ही नहीं, यहां से जरा ध्यान से उसको देखो, तो इसमें पैकिंग बड़ी अच्छी होगी। इसका मतलब जिसमें पैकिंग अच्छी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा ऑर्थो पैरा मेटा के अंदर यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का अगर ये ऑर्डर था तो यहां पर पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑर्थो का नंबर आ रहा है और मेटा का सबसे कम होता है। ये देखिए मेटा का तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ यहां पर स्विचिंग हो रही है, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ऑर्थो का कम, तो यहां पर ऑर्थो का ज्यादा और पैरा का कम, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। अगर ये ऑर्डर आपको याद होगा इसका मतलब वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और ये सवाल बहुत बार जनरली पूछा जाता है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज लोग इग्नोर कर देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फ्री के 4 नंबर होते हैं, अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्वेश्चन लिटरली, अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है नीट चाहे जेई दो में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जरूरी नहीं कि सारे न्यूमेरिकल ही भरे हों, ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल के पीछे लगे रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन पे फोकस करते ही नहीं है, और ये सिंपल क्वेश्चन में 4 मार्क फोकस फोकट के होते हैं, सीरियसली बता रहा हूं, सिर्फ नॉलेज बेस है, अगर आपको नॉलेज है तो फटाफट आंसर कर दोगे। और ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो बहुत बार पूछा गया, आप अपनी बुक्स उठा के देखो, मैं स्टार लगा देता हूं, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, इवन एनसीईआरटी से चेक करो, आपको डेटा से मालूम भी पड़ जाएगा, यहां पर जो डेटा है ना उसमें डिफरेंसेस भी अच्छे खासे हैं। तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्टर और मेल्टिंग पॉइंट वाला फैक्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबिलिटी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं कि कितने सोल्यूबल है, स्पेशली सोल्यूबिलिटी की बात किसमें करते हैं, पानी में,
बहुत इंटरेस्टिंग है कि पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते, यही सवाल है ना। तो क्यों? क्योंकि पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अब देखो मजे की बात, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनकी हेलोएल्केन्स की, तो देखिए हेलोएल्केन्स की खास बात क्या है, आपको पता है, आपको इनिशियल क्लासेस में पढ़ाया गया होगा कि पोलर आसानी से पोलर में घुलता है और नॉन पोलर आसानी से नॉन पोलर में घुलता है। ये एक एक्सेप्शन है, बहुत मजेदार है, जो जैसा दिखता है वो वैसे में घुलने की कोशिश करता है। यही सोच, यही पढ़ा होगा आपने, पोलर आसानी से पोलर में, जैसे कि नमक, नमक पोलर होता है, सोल्ट जिसको हम लोग टेबल सोल्ट भी कहते हैं, NaCl, इसमें पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, वो पानी में आसानी से घुल जाता है क्योंकि पानी खुद भी पोलर होता है। आया समझ में? तो यहां पर देखो मजे की बात, ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर पोलैरिटी जनरेट होती है, हमें पता है कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इसलिए मैंने कहा था कि केमिस्ट्री फिजिक्स और साइंस में क्या कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, एक्सेप्शन होगा ही होगा और उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आता है समझ में? अब मजे की बात देखो, यहां पर डाइपोल जनरेट होते हैं, अच्छी खासी पोलैरिटी है, उसके बावजूद भी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिख लो ना, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ हो तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। वाटर में सॉल्युबल होने का सेंस क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा, पानी के खुद के, आपको पता है वाटर में दो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये देखिए, आपको करना क्या है सॉल्युबिलिटी बनाने के लिए, अब जरा सोचिए, ये आपस में किसे, सॉरी यहां पर हाइड्रोजन से बॉन्ड दिखाना था, मैं यहां पर हाइड्रोजन से बॉन्ड दिखा देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। आप थोड़ा सा अक्कल लगाएंगे तो आपका दिमाग खुलने लगेगा कि देखो ऐसा ऐसा भी होता है। अब देखिए, अगर प्योर वाटर है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती होगी, यहां पर किस किस के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब आप चाहते हो कि RX इसमें घुस जाए और इसमें मिक्स हो जाए, तो ये मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनके इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड है, ये वेंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? सो यहां पर इसको लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आपको स्पेशली इसको तोड़ना होगा और एक मॉलिक्यूल यहां पर आके इनमें से किसी से जुड़े, इनफैक्ट दोनों से यहां पर बॉन्डिंग बनाए, ये काम करना होगा। तो मतलब आपको मॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा इंटरमोलिक्यूलर, और उसको आके यहां जुड़ना भी पड़ेगा। क्लियर होता है? उस मॉलिक्यूल को, लेकिन उसमें एक सक्षम नहीं है, बेसिकली इतनी एनर्जी उसके पास है नहीं कि इसको तोड़ पाए। क्लियर होता है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और खुद आके जुड़ पाए। क्लियर होता है? तो इतनी एनर्जी उसके पास है नहीं, इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर होता है? हालांकि ये सारे के सारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उनमें सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब वो नॉन पोलर में घुलेगा, जैसे कि CCl4 उसमें घुल सकता है, बेंजीन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और इनमें आसानी से घुल जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत ही आंसर करके आओगे, क्योंकि यहां पर पोलैरिटी दिख रही है, इस वजह से आप बोलोगे वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन नहीं, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट जिसपे सवाल पूछे जाते हैं वो है डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर का यहां कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इनके डाइपोल मूवमेंट की। तो देखिए, डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, जरा चेक कीजिए। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, और ये बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि CH3 एक F, ठीक है, मॉलिक्यूल सबको सेम दे रहा है और यहां पर सिर्फ हैलोजन चेंज कर रहा है, और उसके लिए डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, यहां पर पोलैरिटी का स्ट्रेंथ क्या है, वो सवाल पूछा आपसे। CH3F, उसके बाद आपसे दिया CH3Cl, ठीक है, ये सवाल पूछा गया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और उसके बाद CH3Br, और लास्ट में पूछा है CH3I। अब आपको देखो, यहां पर हाइड्रोकार्बन की चेन सब में सिमिलर है, मिथाइल 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 मिथाइल, आगे चेंज क्या किया उसने, सिर्फ हेलोजन, ये सबसे छोटा हेलोजन, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। अब डाइपोल मूवमेंट देखो, आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था, डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितनी है और एक्चुअल में चार्ज कितना है, और चार्ज डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। बेसिकली डिस्टेंस वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं होता, कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके हिसाब से अगर ऑर्डर लगाने जाएं तो यहां पर सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट इसमें होगा। देखो, हर चीज का अलग क्राइटेरिया होता है,
डायपोल मोमेंट का मतलब किस तरह से यहां पोलैरिटी जनरेट होगी, पोलैरिटी जनरेट करने का मतलब यहां पर जरा देखो, जितनी अच्छे से स्ट्रेंथन पोलैरिटी होगी डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा ज्यादा होगा ऐसा कहा जाता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है इन पर्टिकुलर चार्जेस के बीच के डिस्टेंस और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है, वही उसका फॉर्मूला डी इंटू क्यू इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। और फाइनली डी वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही माइन्यूट से ही चेंजेस आ रहे हैं यहां पर, इतना को ज्यादा चेंज नहीं होता है क्योंकि यहां पिकोमीटर में डिस्टेंस होता है। लेकिन चार्ज वाला फैक्टर सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोलैरिटी जनरेट होगी, उतना ज्यादा चार्ज होगा, आता है समझ में। तो इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट इसमें होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम फिर इसमें और उससे कम उसमें, ऐसा होता है। लेकिन फिर से क्योंकि मैंने सवाल करा रहा हूं तो पक्का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होगा ही, तो रूटीन में से सोचे तो इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन के हिसाब से यहां पर CH3Cl का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। बहुत मजेदार चीज है, CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद CH3F और फिर CH3Br। मैंने ये चीज एक पर्टिकुलर वीडियो में करवाया भी था, ठीक है। यहां पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ हेलोजन्स कुछ ना कुछ एक्सेप्शन निकल के आता है, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आप पढ़े हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पढ़ाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, जानते हो कि नहीं जानते हो, तो वहां पे भी एक्सेप्शन था, सेम एक्सेप्शन यहां पे भी है। वहां पर लॉजिक क्या था, क्योंकि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, यहां पर भी वही केस है, यहां पर भी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है, क्लियर हो गया। सो फ्लोरीन से कम होता है, क्लियर हो गया, इस वजह से यहां पर वेलकमिंग ज्यादा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के केस में, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो। जैसा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है वैसा यहां पे भी एक्सेप्शन है, और सेम एक्सेप्शन काउंट करते हुए इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है किसका, मिथाइल क्लोराइड का, वो यहां पर मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होता है, और ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है। हमारे लिए देखो थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल डेटा। अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा कह रहा है कि इसकी ज्यादा है तो हमको वही मानना पड़ेगा ना। थ्योरी हाँ रूटीन भी से 95% पे काउंट हो जाती है 95% केसेस में, लेकिन एक्सेप्शन होगा वो 5% होते हैं, और उसी को तो याद रखना होता है क्योंकि क्वेश्चन उसी पर आते हैं। और यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्शन है, और फाइनली यहां पर जो मिथाइल क्लोराइड है बेसिकली उसका डायपोल मूवमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। तो यहां पर हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया, और आपको बता देता हूं, देखिए स्टीव जॉब कहता था ना, इट इज वेरी इजी टू डू हार्ड थिंग्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सिंपल थिंग्स, और ये सबसे सिंपल टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को लोग कुछ नहीं मानते और लोग छोड़ के आ जाते हैं, करते ही नहीं है, अरे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी करनी है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में फ्री के 4 नंबर होते हैं, आप कभी भी कोई भी पेपर उठा के देख लेना, चाहे नीट का और जेई का, से आपसे यहां शर्त लगा रहा हूं, उसमें नॉर्मल ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन 1 या 2 मिलेंगे ही। 1 या 2 का मतलब आपकी चांदी हो गई, फ्री के नंबर 8, बहुत बड़ी बात है, आया सबको समझ में। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी छोड़ना नहीं, मैं चाहता तो छोड़ देता, सीधी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चला जाता, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो बहुत आसानी से इनको कवर किया जा सकता है, और इनके क्वेश्चन करो बैठ के तो बहुत इजीली आपके सॉल्व भी हो जाएंगे और आपको 4 नंबर फ्री के भी मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज बेस, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप इनको बहुत फ्रीक्वेंटली कर भी सकते हो। जरा सोचो, न्यूमेरिकल करने में वक्त लगेगा लेकिन इन क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप फटाफट आंसर दे दोगे, क्लियर होता है, आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए कहता हूं कि नेक्स्ट टाइम पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसको जरूर करना है, हम लोगों को एक एक टॉपिक को फोकस करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना बहुत है, अब तो हम फाइनली उस टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हमको उसको अच्छे से फोकस करना है, मतलब हम लोग फाइनली 2 पोर्शन खत्म कर लिए, प्रिपरेशन मेथड खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म, अब केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज आपका लास्ट टॉपिक है, उसी के अंदर हमको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है इसकी। सो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। सो फाइनली गाइज, आप लोग याद रखिएगा, आज का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप 1 या 2 दिन में डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक जो आपका चैप्टर है उसको मैं अनअकैडमी पे शुरू कर रहा हूँ, उसके वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे, 1 या 2 दिन की बात है, 5 वीडियोस लगातार आपको मिलेंगे, आपको फटाफट से कर लेना है। ईमानदारी से जो काम कर रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका सिलेक्शन हो गई होगा। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर दीज वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस मैसेज को स्प्रेड आउट करो जितना कर सकते हो। सो अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच।
थैंक्स अ लॉट।